सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि मोदी की मेक्सिको यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक चर्चा के बाद रूस अपनी सेना में काम करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को छुट्टी देने पर बिल्कुल सहमत हो गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के संघर्ष में लड़ते हुए दो भारतीय नागरिकों की जान चली गई है और युद्ध क्षेत्र में फंसे कई अन्य लोगों का आरोप है कि उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए धोखा दिया गया था। सूत्रों ने संकेत दिया कि सोमवार रात व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित एक निजी रात्रि भोज के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। जवाब में रूस ने अपनी सेना में सेवरात सभी भारतीयों को छुट्टी देने और उनकी वापसी में सहायता करने पर सहमति व्यक्त की। रॉयटर्स ने बताया कि एक शीर्ष भारतीय अधिकारी ने पिछले हफ्ते समाचार एजेंसी को बताया कि रूस के साथ भारत के व्यापार असंतुलन को ठीक करना और यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करना मोरक्को में मोदी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक होगा। समाचार एजेंसी ने पहले बताया था कि रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए भारतीय किए गए कितने भारतीयों के बारे में बोलते हुए सूत्रों ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सबसे मजबूत करेगा। यूक्रेन में रूसी हमलों पर वैश्विक आक्रोश के बीच भारतीय नेता के मोरक्को पहुंचने के एक दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन में अपना परिचालन शुरू करने के बाद पहली बार मॉस्को के दौरे पर हैं पीएम मोदी। मॉस्को से नई दिल्ली से दीर्घकालिक संबंधों का बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री। पिछले महीने सत्ता में वापस आने के बाद वह पश्चिम संबंधों के घनिष्ठ बना रहे हैं। वार्ता के बारे में पूछे जाने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेकोव ने स्टेट टीवी को बताया, तैयारी में कोई आश्चर्य नहीं है, मुख्य बात सार्थक बातचीत के लिए माहौल बनता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।